मुख्यमंत्री को और संपूर्ण एनडीए को और बीजेपी को खासतौर से ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि 56 इंच का सीना और इस तरीके के जो बिल्कुल डायलॉग्स आते हैं, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम दर्शक हैं उनको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अशोका होटल, जहां पर एनडीए और जो सहयोगी दल हैं उनकी बड़ी बैठक ये होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है एनडीए की, और वहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और इसके अलावा तमाम देखिए जो अन्य नेता वहां पर मौजूद हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तो कहा जाए कि अब से कुछ ही देर बाद जो एनडीए की बैठक है वो वहां पर शुरू हो जाएगी। कुल 38 दल कहा जा रहा है इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पर बात की जाए विपक्षी दलों की तो बेंगलुरु में बड़ी एक बैठक हुई है, और इस बैठक में जो गठबंधन हुआ है, जो गठबंधन बनाया गया है उसका भी नामकरण किया गया और इंडिया इस गठबंधन का नाम जो है वो रखा गया है। लेकिन इस एनडीए की बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा रतीश, क्योंकि देखिए वहां से इंडिया जो है वो बनकर निकला है, एनडीए से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इस पर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो आज जो बैठक हो रही थी बेंगलोर में 17-18 तारीख को, वहां से इंडिया निकल करके आया है। लेकिन एनडीए अब किस एजेंडे पर काम करेगी, देखिए इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 38 दल है इंडिया जो बना है, विपक्षी पार्टियों का जो समूह बना है उसमें 26 दल हैं। एक दल की बात, एक व्यक्ति की बात कही जा रही थी, जैसा कि आपने पहले भी पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश विपक्ष इसीलिए कर रहा है कि उन्होंने कहा था कि एक और अकेला ही काफी हो, और 38 दल एनडीए के साथ है, एनडीए में है, ऐसे में 38 दलों का क्या करना, ये एक डिविएट करने वाली बात हो सकती है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, और ये एक सियासी शब्द बाढ़ हो सकते हैं जिससे एनडीए और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश हो। लेकिन अगर बात आप कह रहे हैं एनडीए से, तो एनडीए की आज 2024 में क्या रणनीति होने जा रही है, सभी दलों के साथ बैठा जा रहा है, इसका मतलब मंथन काफ़ी ज़्यादा गहरा होगा और सबको सबकी जिम्मेदारी एहसास कराई जाएगी या बताई जाएगी, और किस तरह से किसकी क्या भूमिका 2024 के चुनाव में उसके क्षेत्र में रहने जा रही है। जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, जो अभी कुछ दिन पहले ही दो दिन पहले ही एनडीए में आए हैं, उनको बताया जाएगा कि पूर्वांचल में भाई इतनी सीटों में आपका प्रभाव हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग है या आप खुद दावा करते हैं, तो इन सीट्स पर आपका क्या काम होने जा रहा है जिससे एनडीए को फायदा हो और आगे जाकर के बार्गेनिंग की सिचुएशन में आप भी आ पाए। यानी आप दो सीट मांगते हैं तो दो सीटों पे क्लेम आप क्यों कर रहे हैं, हमारे सर्वे के हिसाब से ये है, और आगे क्या होता है, क्या अगर आप दो सीटें या चार सीटों में एनडीए गठबंधन को जीत दिलवाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो आपके सामने की तस्वीर क्या होगी, आपको क्या मिलेगा इस गठबंधन से। तमाम ऐसे छोटे दल हैं, तमाम बड़े दल हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए तो शिंदे गुट है और अजीत पवार का गुट भी एनडीए में शामिल हुआ है, ऐसे तमाम देश के प्रदेश हैं जहां पर एनडीए के एक छोटे छोटे दल मिलकर के 38 समूह 38 घटक दल बनते हैं और एक एनडीए का स्वरूप लेते हैं। ऐसे में सभी दलों के प्रमुखों को आज इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा संदेश और मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे 2024 में जो चुनौती उनके सामने इंडिया के रूप में आ रही है बेंगलोर से निकल करके उससे कैसे पार पाना है। 450 सीटों, देखिए अगर बहुत बड़ा कोई दल भले ही कहा जाए कि एनडीए में शामिल ना हो, छोटे हो, छोटे जो दल है वो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा है, लेकिन देखा जाए एक बड़ा चेहरा विपक्ष की अगर बात की जाए, जो इंडिया जिसका गठन हुआ है आज, कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा क्या होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं जो एक आम लोगों की जो एक सहमति बनती है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रतीक बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए नाम तो एक दे दिया गया है इंडिया, इसमें 26 दल हैं, 26 चेहरे हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार हैं, एमके स्टालिन हैं, तमाम ऐसे नेता, नीतीश कुमार हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने नाम तो आज की मीटिंग में एक दे दिया है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा जो मोदी के सामने मोदी को फेस करेगा, वो क्या नीतीश कुमार होंगे, वो क्या राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, सोनिया गांधी होंगी, या नीतीश कुमार होंगे, या कौन ऐसा फेस होगा जो फेस करेगा नरेंद्र मोदी को। और बीजेपी और एनडीए इसी बात को मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि 26 दलों का घटक है एनडीए, 38 दलों का घटक है, घटक दलों में अगर दलों की संख्या बात की जाए तो एनडीए ज्यादा संख्या के साथ है, लेकिन फेस एक है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और ये क्लियर कर चुकी है एनडीए पहले ही, बीजेपी क्लियर कर चुकी है, पूरा एनडीए क्लियर कर चुका है, लेकिन
जो इंडिया बना है उसमें फेस कौन होगा, किसके फेस पे लड़ा जाएगा, इसी सब चीजों का समन्वय बैठक आज हुई है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये माना गया है कि हर राज्य के लिए एक समन्वय, एक संयोजक बनाया जाएगा। 450 सीटें देश में ऐसी चुनी गई हैं जहां पर एक प्रत्याशी एनडीए के सामने उतारने पर सहमति बनाने की कोशिश भी की गई है इस बैठक में जो 17 और 18 तारीख को बैंगलोर में हुई है। एक राज्य में एक प्रमुख बनाया जाएगा, पूरा इंडिया जो एक ग्रुप बना है जो एनडीए के सामने अपनी चुनौती पेश करेगा, उस संयोजक के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो कौन कौन सी सीट पर किस किस एक आदमी को एनडीए के उम्मीदवार के सामने लाएगा और मजबूती से चुनाव लड़ाएगा। 450 सीटों में अगर ये रणनीति काम आती है तो एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती 2024 में पेश हो सकती है। और इन्हीं सब पॉइंट्स पर विस्तृत बैठक हुई है, विस्तृत वार्ता हुई है और इस वार्ता में तमाम जगहों पर सहमतियां बनी हैं, तमाम पर सहमति नहीं बनी है। और आगे अन्य बैठक जो है, जो बड़ी बैठकें अन्य आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, उनमें इन बैठकों पर फैसला भी किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आज की ये कहा जाए कि अगर लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक रतीश की जा रही है, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। रतीश, अलायंस हुआ करता था यूपीए, अब वो इंडिया के नाम से जाना जाएगा जिसमें तमाम अन्य दल जुड़ गए हैं, कुछ दल निकल गए हैं, तमाम बड़े नेता इसमें जुड़े हैं। नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, शरद पवार हैं, कांग्रेस पार्टी है, ममता बनर्जी हैं, इन सब ने मिलकर के एक कंसेंसस नाम की तो बनाई है लेकिन फेस की अभी सहमति बनना मुश्किल लगती है क्योंकि सभी दावे अपने करते हैं। अखिलेश यादव के दावे हैं, ममता बनर्जी के दावे हैं, नीतीश कुमार के दावे हैं, शरद पवार के दावे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फेस क्या किसी का डिक्लेयर किया जाएगा 2024 से पहले या केवल इंडिया एक अलायंस के रूप में अपनी शर्तों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक। और एनडीए की इस बड़ी बैठक में आपको बता दें 38 दल इसमें शामिल होने वाले हैं, इस बैठक में 38 पार्टियां शामिल होने वाली हैं। तो एनडीए की बड़ी बैठक और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्षी दलों की आज एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में हुई है और इस विपक्षी दलों का जो एक गठबंधन बना है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि तमाम जो दल हैं वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन अब विपक्षी दल इकट्ठा भी हुए और उसके बाद एक गठबंधन बना और जिसका नाम रखा गया है इंडिया। और इंडिया और एनडीए के बीच अब 2024 में टक्कर देखने को मिलेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बैठक ये आज दिल्ली में चल रही है, एनडीए की ये बैठक है, इसमें 38 राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अशोका होटल बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है और देखिए तमाम वहां पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके नेता वहां पर मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो ये एनडीए की जो बड़ी बैठक है, इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और काफी महत्वपूर्ण दिलचस्प मुकाबला 2024 में होने वाला है। और दिल्ली से स्वाति पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है, कितनी देर में बैठक जो है वो शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल शांतनु, देखिए एनडीए की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बैठक शुरू हो गई है, जो तमाम नेता है वो पहुंच चुके हैं। चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम नेता हैं जो पहुंच चुके हैं और पीएम के पहुंचते ही ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बैठक में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मौजूद है, अनुप्रिया पटेल अपना दल एसपी अध्यक्ष वो मौजूद है। इसके साथ ही अभी हाल में एनडीए का हिस्सा बने सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर इस बैठक में शामिल है और रणनीति 2024 को लेकर बनाई जाएगी कि किस तरह से सहयोगियों को साथ लेकर मजबूती के साथ जो है वो 2024 में मैदान में उतरा जाए। और संदेश सीधे तौर पर दिया जा रहा है कि विपक्ष से मजबूत एनडीए है
और इसी वजह से 38 जो दल है वो इस बैठक में मौजूद है और दूसरी तरफ 26 जो पार्टियां हैं वो विपक्षी पार्टियों में शामिल है, बैठक में मौजूद रही। तो यानी साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि एनडीए मजबूत है और मजबूती के साथ 2024 में मैदान में उतरेगी और आज इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जो मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में कामकाज किया है उसको किस तरह से सहयोगियों को साथ लेकर आगे जनता तक पहुँचाया जाए और क्या रणनीति आगे को लेकर तय किया जाए जिससे बीजेपी एनडीए जो है वो बड़ी जीत 2024 में हासिल कर सके, उसको लेकर ही आज मंथन होगा। बैठक दिल्ली के अशोका होटल में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है और बैठक अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ये बड़ी बैठक, लेकिन देखिए जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक हुई और उसमें गठबंधन को एक नाम दिया गया है, क्या एनडीए में इस तरह का कुछ देखने को मिल सकता है स्वाति? क्योंकि विपक्षी दलों का किस तरह से मुकाबला किया जाए, निश्चित तौर पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ बैंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई जिसमें इंडिया नाम दिया गया है, जो तमाम दल उसमें शामिल है अब इंडिया नाम उसको दिया गया है। दूसरी तरफ आज ही के दिन दिल्ली में एनडीए का मंथन हो रहा है। अब एनडीए ये संदेश दे रही है कि जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं उससे मजबूत एनडीए है और कहीं ना कहीं शांतनु ये संदेश ये भी दिया गया जब कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस दौरान कहा कि जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। जो पिछले दिनों सहयोगी दल जीते हैं और चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, ये तमाम राज्य है जहां से जो पार्टियां हैं वो एनडीए का हिस्सा बनी है। और इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किया गया तो कहा गया कि एनडीए मजबूत है और आज यही संदेश दिल्ली से दिया जाएगा। जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीए विपक्ष से मजबूत है और चूंकि वहां 26 पार्टियां शामिल रही बेंगलुरु में, दूसरी तरफ दिल्ली में जो मंथन हो रहा है एनडीए का उसमें 38 पार्टियां हैं। तो यही कहा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि एनडीए विपक्ष से ज्यादा मजबूत है। अब जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का मंथन हुआ, इंडिया नाम दिया गया है और इंडिया नाम लेते हुए ये तंज भी कसा गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि अब इंडिया को किस तरह से जो है वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नाम लेंगे, क्योंकि यही सोच विचार कर वहां पर फैसला लिया गया है। कई नाम सामने आए थे, ये भी अंदर से खबर आई, लेकिन इंडिया नाम पर मुहर लगी है। अब यही देखना होगा क्योंकि अभी बैठक शुरू हुई है, लंबी बैठक चलेगी, मंथन होगा चूंकि 24 को लेकर, 24 से पहले ये पहली बैठक एनडीए की हो रही है, तमाम सहयोगी दल है, आगे राज्यों में किस तरह से जो है वो रणनीति के तहत काम किया जाए इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन होगा। बैठक के बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी कि विपक्ष ने जिस मुद्दे को सामने रखा। और देखिए बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है जिसकी तस्वीरें भी है सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, इसका आयोजन किया जा रहा है। तमाम विपक्षी कहा जाए कि जो सहयोगी दल है, कहा जाए घटक दल जो एनडीए के हैं, वो पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोका होटल पहुंचे हुए थे। और अब चूंकि पूरी जो मीटिंग है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, 38 दल इस मीटिंग में शामिल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इस पूरी बैठक में निकल कर क्या सामने आएगा, किस तरह से विपक्षी गठबंधन का मुकाबला किया जाएगा स्वाति? जी बिल्कुल, इसीलिए एकजुट हुए हैं एनडीए और जिस दिन 18 तारीख को बेंगलुरु में बैठक हुई, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठक तय की गई कि एनडीए जो है वो एकजुट होकर बैठक होगा और 2024 को लेकर मंथन होगा। जब शांतनु बैठक खत्म होगी उसके बाद पूरी तरह से तस्वीरें साफ होंगी कि एनडीए किस मुद्दे के साथ जो है 2024 में उतरेगा, लेकिन ये तय है कि एनडीए ये संदेश देना चाहता है कि जो विपक्ष एकजुट हुआ है उससे ज्यादा मजबूत एनडीए है। और ये बार बार कहा जा रहा है, जोर इस बात पे दिया गया है कि वहां पर 26 पार्टियां हैं तो यहां पर 38 पार्टियां हैं और उसी से कहा जा रहा है कि एनडीए मजबूत हो। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि नए सहयोगी जो है वो जुड़े हैं, चाहे हम ओम प्रकाश मोहम्मद की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये सब नेता हैं जो अभी एनडीए का हिस्सा बने हैं। तो किस तरह से रणनीति बनेगी, किस तरह से बातचीत तय होगी, किस तरह से जो प्रदेश है वहां पर मुद्दों के साथ एनडीए उतरेगा, किस तरह से जो पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने कामकाज किया है उसको आगे राज्यों में पहुंचाया जाए उसको लेकर मंथन होगा। क्योंकि अगर हम बयान सुने पिछले दिनों के लगातार, चाहे हम उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें, हम
केंद्र में जो नेता है उनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और ओम प्रकाश राजभर के आने से जो तमाम नेता है वो दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल में और मजबूती मिलेगी और 80 सीटों को बीजेपी छुएगी, वहां पर जीत हासिल होगी। अब इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज बैठक में रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए कहा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है उसको मजबूत करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है, लेकिन स्वाति कहीं ना कहीं एक कोशिश ये लगातार इस तरह की खबर निकल कर सामने आ रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए या फिर एनडीए को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी से भी बातचीत चल रही है, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एनडीए कमज़ोर नज़र आ रहा है जयंत चौधरी के पाला बदलने की वजह से? देखिए, हर एक हिस्से को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है शांतनु, ये हम सब जानते हैं, और कई दिनों पहले से ही चुनाव की तैयारी में भी बीजेपी जुट जाती है। जयंत चौधरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि बातचीत हो रही है, बात नहीं बन पाई है, तो जयंत चौधरी विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए, जिससे तस्वीरें साफ हो गई कि जयंत चौधरी फिलहाल तो एनडीए का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आने से जो पूर्वांचल में बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर टेंशन होती वो खत्म हुई है ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि वहां पर भी मजबूती के साथ बीजेपी उतरे, और इसीलिए लगातार मंथन हर सीट को लेकर। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो खुद जो केंद्रीय आला कमान है उसकी नजर उत्तर प्रदेश पर है कि क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां पर किस तरह से 80 सीटों पर जीत हासिल हो सके बीजेपी को, उसको लेकर रणनीति बहुत दिनों से दिल्ली में बनाई जा रही है और एक एक सीट पर खुद केंद्रीय आला कमान जो है वो मंथन कर रहा है, जिससे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2024 की बात करते हैं तो बड़ी जीत बीजेपी को चाहिए और इसीलिए लगातार मंथन हो रहा। आज जब मंथन होगा, बैठक हो रही है, उसमें ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, संजय निषाद मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं, क्या सीटों को लेकर भी चर्चा होगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो है अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उन्होंने भी कहा भारत समाचार से बातचीत करते हुए कि ओम प्रकाश राजभर के आने से बीजेपी एनडीए और मजबूत उत्तर प्रदेश में हुई है और 80 सीटें अब मिलेगी एनडीए को। तो ये सभी मुद्दे हैं जिसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तो आगे को लेकर पूरी तरह से सहयोगी जो पार्टी है उनके सामने बातों को रखा जाएगा कि ये मुद्दे हैं और यहाँ पर इन राज्यों में मजबूती के साथ उतरना है, किस तरह से जो 9 सालों में कामकाज किया गया है, क्या क्या योजनाएं जो सरकार की थी वो जनता तक पहुंची है, आगे किस तरह से पहुंचाना है, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है 2024 और जनता तक पहुंचने का जो टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का है। और आज सीधा संदेश दिल्ली से यही दिया जा रहा है कि जो विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं, तमाम जो वहां पर 26 पार्टियों के जो प्रमुख मौजूद है उनसे ज्यादा मजबूत एनडीए है और यही संदेश दिया जा रहा है। अब इंडिया वर्सेस एनडीए 2024 में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बीजेपी को हराना है, हटाना है देश से, और इसीलिए मंथन हो रहा है। पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, अब तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होगी। इधर एनडीए की जो बैठक है वो लगातार जारी है। अब यही देखना होगा कि आगे जब बैठक खत्म होगी तो क्या संदेश जो है कुल मिलाकर यहाँ से दिया जाएगा। और स्वाति ये भी देखना, देखिए काफ़ी दिलचस्प है कि हम देखें जो तमाम दोनों ही अगर गठबंधन की बात करें, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो एनडीए हो, कई ऐसे दल हैं जिनके की एक भी सांसद एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, लेकिन उनको गठबंधन में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण ये है कि उनका जो प्रभाव है अपने क्षेत्र में उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये देखिए इसी वजह से जो दोनों ही गठबंधन हैं वो कहीं ना कहीं इन तमाम दलों को तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं। वोट प्रतिशत भले ही जो है वो कम हो, लेकिन उसको एनडीए में शामिल करेंगे या फिर इंडिया में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत किया गया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा, उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा तमाम जो सहयोगी दल हैं वो वहां पर मौजूद है, उनके नेता वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है माला पहनाकर, और
स्वाति देखिए तमाम ऐसे कहा जाए कि ऐसे दल हैं जिनके कि लोकसभा सदस्य नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तरजीह दी जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव रखते हैं और कितना वोट जो है वो अपने गठबंधन को दिला सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शांतनु, तो उस दौरान कहा गया कि जो सभी दल है वो बराबर है। छोटे दल की बात भी की गई, जो बड़े दल है उनकी भी बात की गई, और छोटे छोटे जो दल है बीजेपी उनको साथ लेकर चल रही है कि जो भी एनडीए का कुनबा है वो लगातार बढ़े। और इसीलिए चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं खास तौर पर शांतनु, तो ओम प्रकाश राजभर है जिनका जो है दबदबा पूर्वांचल में है और ओम प्रकाश राजभर को लिया गया। बिहार की बात करते हैं तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने। तो जो छोटे छोटे दल हैं सहयोगी उनको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है आगे, जिससे 2024 में मजबूती के साथ जीत मिल सके। जहां जिसका प्रभाव है वहां से जो एनडीए को है वो बहुमत हासिल हो सके, और बीजेपी कोई चूक 2024 को लेकर नहीं चाहती है। और इसीलिए जो है वो आमंत्रण पत्र भेजा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, चिराग पासवान की बात करते हैं जो बिहार में भी पिछले दिनों देखने को मिला, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी उलटफेर देखने को मिला। और जो छोटे छोटे दल हैं बीजेपी लगातार उनको अपने हिस्से में ले रही है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर जो है वो बार बार मैंने कहा कि एक एक सीट पर मंथन जो है वो इस वक्त हो रहा है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि अशोका होटल है, यहीं पर जो बैठक अंदर है वो हो रही है। जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको लगातार तस्वीरों में नजर आएंगे, मीडिया कर्मी नजर आएंगे, चूंकि अंदर मंथन 2024 को लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। तमाम जो नेता है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या अलग अलग प्रदेशों की बात करें, वो इस बैठक में शामिल है। और 2024 को लेकर सीधे तौर पर मंथन हो रहा है, रणनीति हो रहा है कि सब मजबूत एक साथ दिखे, ये संदेश देना चाहती है एनडीए। और इसीलिए जो है चाहे जो तमाम नेता जब अशोका होटल पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बैठक शुरू हो गई और सब अपनी अपनी बात भी रखेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपनी बात भी रखेंगे। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरह से सभी छोटे छोटे दलों को लेकर 2024 में साथ आती है, क्योंकि वहां से संदेश बैंगलोर से दिया जा रहा है कि सब एकजुट है, सब एक साथ है और बीजेपी को हटाना है और इंडिया नाम भी दिया गया है। अब उसके बदले एनडीए का क्या रणनीति होगा ये इस बैठक में तय होगी, क्योंकि वहां से तस्वीरें साफ हो गई हैं कि बैठक में सब एकजुट है, ये संदेश बैंगलोर से दिया गया है और ये कहा गया है कि अब बीजेपी को हटाना है और इसीलिए एकजुटता जरूरी है। लेकिन अभी भी वहां पर उस बैठक के बाद भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि राज्य में ही मतभेद है। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, हम दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, अलग अलग राज्य है जहां पर आपसी मतभेद विपक्षी पार्टियों में है, उसे किस तरह से दूर किया जाएगा ये अपने अपने आप में सवाल है। लेकिन जो इस वक्त अशोका होटल में मंथन हो रहा है उसका सीधा संदेश है कि एनडीए मजबूत है, एनडीए के पास ज्यादा पार्टियां हैं, यानी 38 दल जो है वो इस बैठक में मौजूद है। और ये बार बार जोर दिया गया इस बात पर कि एक तरफ 26 पार्टी तो दूसरी तरफ 38 पार्टी है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। प्रधानमंत्री ठीक है स्वाति, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए फिलहाल।